YMI is the Ye Mera India. The film is basically deals with a lot of socially relevant hard hitting issues. आज के जो मुद्दे हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इंडिया में, बॉम्बे में खासकर, क्योंकि बॉम्बे में देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. बॉम्बे हैज़ यहाँ पे देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग अहदे के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पे आते हैं. तो बहुत से ऐसे सोशली रेलिवेंट हार्ड हिटिंग इशूज़ के साथ ये फिल्म डील करती है. बहुत सेंसिटिवली चंद्रा जी ने इन इशूज़ को उठाया है. द हीरो हीरोइन ऑफ दिस फिल्म इज़ द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. द फिल्म इज़ बेसिकली अबाउट स्टार्ट्स द स्टोरी ऑफ 24 आवर्स. सुबह शुरू होती है और कुछ 11-12 कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं एंड हाउ द डे evolves, how they evolve at the end of the day and what happens. And basically my character I'm very excited about because it's very different. जो मैंने कलयुग में रेणुका का प्ले किया था, एक डरी हुई सेमी भी लड़की का. सो दिस गर्ल आशा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. शी इज़ अ गर्ल जो बहुत इंडिपेंडेंट है और हर लड़की, हर औरत इस लड़की के साथ डेफिनेटली रिलेट करेगी. मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं इस फिल्म में बिलीव करती हूँ. 3 साल मैं घर इसलिए बैठी क्योंकि मुझे इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं मिली और कलयुग के बाद मुझे बहुत ज़रूरी था कि उससे बेहतर मैं एक स्क्रिप्ट करूँ. एंड दिस फिल्म इज़ एट पार और बेटर देन कलयुग. कलयुग भी चली थी इसलिए क्योंकि डेल्ट विद रेलिवेंट हार्ड हिटिंग इशूज़ एट दैट टाइम. MMS का जो स्कैंडल हो रहा था, इट वॉज़ वेरी इट वॉज़ वेरी रेलिवेंट. ये फिल्म बहुत से रेलिवेंट इशूज़ के साथ डील करती है. आप जब फिल्म देखोगे, व्हेन यू सी द फिल्म, यू विल से अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, दिस हैज़ हैपेंड विद मी. और एवरीबडी, कोई हर आदमी, हर औरत इस फिल्म के साथ डेफिनेटली रिलेट करेगी. एक तो उन्होंने मुझे एक चंद्रा जी जिस तरह से लोग एक्सप्लेन करते थे और एक एक्टर को बहुत इम्प्रोवाइज करने का रूम देते थे. ही यूज़ टू बी वेरी, ही यूज़ टू लेट एन एक्टर ग्रो एंड एन एक्टर ब्रीद. उनसे मैंने ये सीखा कि नर्वस होके, जल्दबाजी में, डर के कुछ काम नहीं होता. और क्योंकि ये मेरी दूसरी फिल्म थी और मैं वैसे ही डरी हुई थी कि कि इस फिल्म में अरे बहुत अच्छे बड़े बड़े कलाकार हैं, बाहर की फिल्म है, क्या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी कि नहीं. तो पहले दिन ही उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स किया. और क्योंकि मैं बहुत सबसे यंगेस्ट थी, मुझे बहुत कभी ऐसा उन्होंने फील नहीं करने दिया कि मैं उन दूसरे कलाकारों की तरह इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ. तो ही हेल्प मी ग्रो, ही हेल्प मी डू व्हाट आई वांट टू डू. बहुत बार वो मुझे सीन करके भी दिखाते थे कि इस तरह से सीन करो. तो आई थिंक फॉर अ न्यू कमर ही वाज ग्रेट. देखिए, जैसे मैंने कहा, इस फिल्म का हीरो हीरोइन इस फिल्म का स्क्रिप्ट है. हर कलाकार, हर कैरेक्टर का इस फिल्म में इक्वल रोल है. स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट इस फिल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो जब आप फिल्म देखेंगे आप ये समझेंगे. और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस तरह की फिल्म में काम करने का मौका मिला. और बाकी तो अभी ऑडियंस देख के बताएंगे. मुझे राजपाल यादव जी की स्टोरी बहुत पसंद है. उनका कैरेक्टर बहुत स्वीट है, बहुत कम बोलता है और बहुत एंडियरिंग कैरेक्टर. इस फिल्म में म्यूज़िक है नहीं, एक ही गाना है, जो क्योंकि रेलिवेंट हार्ड हिटिंग फिल्म है तो ज़रूरत नहीं है सडनली गाने वालों की और डांसर्स की और वो सब की. तो एक गाना है बांसुरी, जो सिद्धार्थ और सुहास ने म्यूज़िक दिया है. बहुत इमोशनल गाना है और एक ऐसे मूड पे आता है फिल्म पे. बैकग्राउंड में लिपसिंग तो है नहीं गाने का. जब सब कैरेक्टर्स उम्मीद तोड़ चुके हैं और बहुत दुखी हैं, तो बहुत अच्छा गाना है. आप देखिएगा. मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस फिल्म से क्योंकि ये फिल्म लोगों को डेफिनेटली झंझोरेगी. ये फिल्म लोगों को डेफिनेटली सोचने का मौका देगी. और हर एक आदमी, चाहे वो बूढ़ा यंग, सब घर जाके बोलेंगे अरे यार ये मेरे साथ हुआ है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं. तो इमोशनली ये फिल्म आपको मूव करेगी क्योंकि ये आज के रोज़मर्रा के इंसिडेंट्स और इश्यूज़ के साथ डील करती है. ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो कुछ भी और कोई भी तरह की फिल्म नहीं देखना चाहती हैं. अच्छी स्क्रिप्ट देखना चाहती है, सोशली रेलिवेंट फिल्म देखना चाहती है. इसलिए कलयुग जैसी फिल्म हिट हुई थी, तो उनको ये स्टोरी लाइन बहुत पसंद आएगी और इसलिए वो ये फिल्म देखेंगे.